न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। निर्मल झा संस्थापक शिव धाम मंदिर चंद्रावती नगर ने बताया कि श्री मज्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 80वें प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के लिए प्रातः 10 बजे से शिव धाम मंदिर चंद्रावती नगर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु भक्तजन एवं सारे कॉलोनी वासी पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का प्राकट्य दिवस मनाएंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के प्राकट्य दिवस आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह से मनाएंगे। दोपहर 3 बजे से शिव धाम मंदिर चंद्रावती नगर में सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। उसके बाद मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये चंद्रावती नगर में हम लोग पहुंचे हैं और ये बताइए कि आज शिव धाम मंदिर कब निर्माण हुआ, कितने लोगों के सहयोग से हुआ? ये शिव धाम मंदिर जो निर्माण हुआ, 17 अप्रैल 2019 को ये निर्माण हुआ। इसको बनने में करीब 5 साल लगा। 2014 से हम लोग इसका निर्माण में हम लोग हाथ लगाए थे और इस मंदिर में हम लोग कोई चंदा जो है बाहरी साइड से कहीं से भी नहीं किए थे। स्वेच्छा से जो भी आदमी दिया, हमारे भाई बंधु लोग भी बहुत मात्रा में दिया, जो भी दिया बहुत ठीक ठाक दिया, जिससे लिमिटेड आदमी थे हमारा, वो लोग आप लोग चंदा दिए हैं और फिर ये मंदिर का स्थापना। किन किन देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित? शास्त्र संबद्ध आपका नियम से तो सिद्ध धाम मंदिर है भोले बाबा मुख्य रूप से है, बावजूद उसके जहाँ पर राम दरबार है, वीर बली बजरंग बली है संकट मोचन, उसके बाद आपका लक्ष्मी नारायण है, उसके बाद माँ सरस्वती का है, माँ दुर्गा है, माँ शीतला माता है, माँ काली माँ है, राधा कृष्ण है, शनि बाबा का है और सामने नंदी बाबा का स्वयं देख रहे हैं। आगे भी सूर्य मंदिर बनाने की योजना है, हम सभी भाई बहनों को मिलकर के यहाँ पर हमें सूर्य मंदिर और छठ घाट अभी विचाराधीन में है, ये भी बनेगा। अभी पूरी के महाधीश आए थे जी, ऐसा प्रोग्राम हुआ, अभी आगे प्रोग्राम क्या हुआ है? पूरी के शंकराचार्य जी का प्रोग्राम हम करीब 7 वर्ष से मंदिर जब से बना रहे थे, उसी वक्त से मन में एक तो दिली इच्छा थी जो इनका स्थापना में हम भगवान शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर से ही स्थापना दिवस में हम उनको बुलाएंगे, बाकी पर हम लोग को सौभाग्य ऐसा नहीं मिला, उनका प्रोग्राम नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा मन में जो दिली इच्छा होती है परमात्मा कभी न कभी सुन ही लेते हैं। तो ये आपका अभी जो है 12 जून को गुरु जी का प्रोग्राम अपने आप हमको मिला यहाँ से और ये बहुत सौभाग्य का बात हुआ है हम लोगों का, लोहनगरी वासी, जमशेदपुर वासी, झारखंड वासी के लिए यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन हुआ था। 12 जून को यहाँ पर 4 बजे विराट धर्म सभा का आयोजन हुआ और उसके बाद 13 जून को आपका संगोष्ठी कार्यक्रम में भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसी पर उनका परिचर्चा हुआ और उसके बाद दीक्षा कार्यक्रम हुआ, तो बड़ी भव्य रूप से सारा चीज़ हुआ, बड़ी संपन्नता के साथ आपका। 26 तारीख को क्या प्रोग्राम है? 26 तारीख का प्राकट्य दिवस है, उनका जन्मदिन है, तो ये भगवान हम लोग के बीच में है अभी जो पूरे पीठ है।